नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश काबा। निफ्टी व्यू 26 मई 2021 वेनिस्टे है, बजाय करीब 7:22। 12 मार्केट में एक रिस्पेक्ट किया इस लाइन को। ये लाइन जो है ऊपर मैंने मार्क की है, उसके ऊपर नहीं गया, उसके वहीं पर खुला और नीचे आया और क्लोज हुआ है माइल्डली पॉजिटिव। अप मूव मिला है नैरोइंग पैट। नैरोइंग मुझे पसंद नहीं है, कम्फर्ट जोन मिसिंग है, क्योंकि नैरोइंग में दो बातें हो सकती हैं, या तो ऐसा टूटता है या ऊपर जाता है। ऊपर जाने की शंका लगती है मुझे, ऐसा कुछ चांस लगता नहीं। अगर ये साइडवेज मूव मिलता है ऐसा कुछ, जैसे मैंने रेक्टेंगल पार्क किया है, तो बढ़िया है, होता है तो ठीक है। हाँ, दो तीन बातें अच्छी है, जो विक है मुझे अच्छा लगता है। दो विक देखिए, निफ्टी बैंक का क्या हाल है? वेल, निफ्टी बैंक यहाँ पर है। यस, निफ्टी बैंक का क्या हाल है? यहाँ पर भी नैरोइंग फॉर्मेशन है और साइडवेज ट्रेडिंग हुआ है। अगर ये साइडवेज यहाँ पर सर्कल जो मार्क किया है मैंने, अगर यहाँ पर ट्रेड होता है तो ठीक है, और मुझे भी यहाँ पर वीक पसंद है, ये बात तो ठीक है, लेकिन नैरोइंग मुझे पसंद नहीं। फिलहाल इंटरनल देखना पड़ेगा, अगर इंटरनल में कुछ क्लू मिलते हैं क्या? निफ्टी के इंटरनल में देखते हैं क्या क्लू है। वेल, यहाँ पर मैंने जो पैटर्न उभर कर आया है, ये बफर जोन को तो आज रिस्पेक्ट किया, अब और भी बफर जोन है 15,100 के आसपास, ये बफर जोन है। एक बात हो सकती है, अगर ये बफर जोन में कहीं खुलता है, चांसेस है ऊपर जाने का, चांस है, ये एक पॉसिबिलिटी है बस। अब दूसरी बात जो मुझे नजर आती है फिलहाल, एक मन में शंका, ये क्या ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्मेशन है? क्योंकि ये मुझे शोल्डर लग रहा है, ये हेड लग रहा है, क्या ये शोल्डर है? ये एक सवाल उठता है। अगर यहाँ पर कहीं खुलता है और यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, जो लेवल 15,175 ब्रेक हो जाता है, तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर काफ़ी हद तक गिरावट आ सकती है। ऐसा कुछ हुआ तो 15,000 का जोन भी देखने को मिल सकता है, और 15,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन सकता है, सिंपल है सर। लेकिन पक्का नहीं है कि हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है या नहीं। चलो बैंक निफ्टी में देखते हैं इंटरनल्स क्या है। जब इंटरनल बैंक निफ्टी देखते हैं तो यहाँ पर जो अप मूव बढ़िया है, साइडवेज मूव है, फिर एक अप मूव मिला, अब तक तो ठीक है, और फिर एक डाउन मूव मिला। अब ये बफर जोन है 34,100 के आसपास, अगर फिर एक कंटिन्यू अप मूव मिलता है तो बढ़िया है। लेकिन जब मैं इस पैटर्न को देखता हूँ तो एक मन में एक शंका रह जाती है। वो शंका क्या है मैं बता देता हूँ। ये रहा शोल्डर, क्या ये शोल्डर है? ये रहा हेड, क्या ये हेड है? और क्या ये शोल्डर है? अगेन ये पॉसिबिलिटी है। अगर यहां पर ये 34,400 ब्रेक हो जाता है, मार्केट यहीं पर बना देता हूं मैं, यहां अगर यहीं कहीं पर खुलता है मार्केट और ये 34,400 ब्रेक हो जाता है, फिर तो गिरावट आएगी। यस, कहां तक आएगी गिरावट? ये जितना ये है शायद उतनी गिरावट यहां से यहां तक आ सकती है, पॉसिबल है 33,500 भी देखने को मिले। ये तो लाइंस इन द सैंड है, लाइंस मार्क कर दो। मार्केट तो करेगा वही जो उस मार्केट को करना है, हमको क्या करना है? हमको तो सिर्फ लाइंस मार्क करनी और ट्रेड करना है। ट्रेडिंग इज ओनली अबाउट मेकिंग मनी, मैं हमेशा कहता हूँ। ट्रेड कीजिए क्योंकि भाव भगवान है।